पश्चिम बंगाल उड़ीसा द्वारा संचालित एग्जिट पोल की भविष्यवाणी में 12 एग्जिट पोलों के योग के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें एनडीए को 365 सीटें मिल रही हैं और इंडिया ब्लॉक को 146 सीटें। हमने पहले भी कहा हम एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे, 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता ने संविधान के पक्ष में वोट दिया है, लोकतंत्र के पक्ष में वोट दिया है, अग्निवीर के खिलाफ वोट दिया है, बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया है। हमें पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन 295 से ज़्यादा सीट लेकर के सरकार बनाएगा। सर, अभी जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, क्या ये कहा जाए कि किसी भी एग्जिट पोल से आप लोग संतुष्ट नहीं है या उनको गलत मान रहे हैं? वो उनकी अपनी विधाएं हैं, उनकी उन विधाओं का पूरा सम्मान है और उनके पूरे सम्मान के साथ हमारी घनघोर असहमति है उनसे। अपनी सबकी मार्केटिंग की प्रक्रिया है और निश्चित तौर पर 4 तारीख का हम इंतजार करना चाहेंगे। जो एग्जैक्ट पोल आएंगे उसमें हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग 295 से ज़्यादा सीट लेकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल पर डीएमके सांसद टीआर बाबू ने कहा है ये बहुत स्पष्ट और क्रिटिकल, इंडिया ब्लॉक निश्चित रूप से केंद्र में इससे सरकार बनाएगा। निश्चित तौर पर मैं डीएमके के सांसद साहब से पूर्ण तरीके से सहमत हूं कि इंडिया ब्लॉक एक बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है और हमारी संख्या 295 से ऊपर होने जा रही है। आगे आने वाले समय में हम लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का काम करेंगे। केजरीवाल की जो जमानत थी वो आज खत्म हो जाएगी, इसके साथ ही उनकी जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा गया है, तो क्या लग रहा है कि किस तरह की चीज़ें? देखिए, केजरीवाल कोई अपराधी नहीं है। उनके ऊपर आरोप कुछ ऐसे लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं जो स्वयं आरोपी हैं, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि उनके बारे में मानवीय ढंग से सुनवाई की जाए और वो अगर कभी किसी जांच को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है तो उनको जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा, राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, उसमें हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति जी चूंकि सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी से पुरजोर अपील है कि सेना को ठेके पर देने की प्रथा का विरोध होना चाहिए। 4 साल के अग्निवीर का कोई मतलब नहीं है। सेना एक व्यावसायिक सेना है, हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, दुनिया में उसका नाम है, लेकिन अगर आप 4 साल को के ठेके पर उसको इस तरीके से रखेंगे कि 4 में से 3 अग्निवीर वापस आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर सेना के मनोबल पर फर्क पड़ेगा। उन बच्चों को पेंशन नहीं मिल रही है, कैंटीन की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो उनके प्रोफेशनलिज्म पर फर्क पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। राष्ट्रपति जी इसका संज्ञान लें और इस अग्निवीर योजना को रद्द करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।